हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर दास फ्रॉम ट्यूटोमीटर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो ग्रिड है उसका जो यूआई है पैनल, वो कैसे कहाँ पे क्या क्या काम करता है ना। तो बेसिकली मैं सबसे पहला जो आता है जनरल में, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो है स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग का मतलब है कि जो मेरा सिमुलेशन होगा वो कितने डिटेल में होगा। छोटा करूँगा तो आप देखेंगे कि ये साइज़ जो है इसका वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैशे जो मेमोरी है वो कितना खाएगा, क्योंकि कैशे का भी एक खुद का मेमोरी होता है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जितने छोटा करते जाएंगे यहाँ पे कैशे का जो मेमोरी है वो बढ़ता जाएगा, है ना। जितना आप बढ़ाओगे देखो उतना ज़्यादा ये हाई रेजोल्यूशन आपको देगा। बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये 100 MB के अंदर फिलहाल के लिए हो जाए, क्योंकि ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए, है ना। अच्छा दोस्तों, हमेशा ये चीज़ याद कि जब भी आप किसी वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपको हमेशा सिमुलेशन को फिर से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया और फिर रेंडर मारेंगे तो वो चीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर टाइम सिमुलेशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो। एक बार के लिए मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। अब देखेंगे कि पिछले बार जो टाइम मेरे को लग रहा था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को टाइम लग रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे, कि जो डिटेलिंग है स्पेसिंग जब मैंने बढ़ाया तो जो डिटेलिंग है वो जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, आग का धुआं का जिसका भी है। तो इससे क्या होगा ना कि सिमुलेशन टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, रेंडर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, है ना। तो एक बार के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ, जब ये सिमुलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको मैं इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत डिटेलिंग में जो है वो मेरा सिमुलेशन हो चुका है। एक बार के लिए मैं प्ले करके इसको दिखाता हूँ, है ना। तब देखोगे कि पहला जो मैंने सिमुलेशन किया था वो बहुत ही सिंपल था, बट इस बार वाला जो है वो काफ़ी हद तक डिटेल्ड है सिमुलेशन। मैं और जूम करके भी देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम और मैं करूँगा ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ना छोटे छोटे जो ट्रेल्स है वो भी यहाँ पर आया है। तो बेसिकली ये जो है आपको थोड़ा सा डिटेलिंग देगा जो स्पेसिंग का काम है। तो स्पेसिंग में फिलहाल के लिए बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ये ले रहा है। ऑलमोस्ट 30-40 MB का करता हूँ, क्योंकि ताकि मैं बाकी सब जो चीज़ें हैं उनको भी मैं दिखा सकूँ। तो 30-40 MB का जो सिमुलेशन है वो काफ़ी हद तक स्पीड अप होता है। और भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि स्पीड थोड़ा सा और बढ़ जाए। लेट्स सी, ओके, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, अफोर्डेबल स्पीड है ना। तो स्पेसिंग का बेसिकली यूज़ तभी करना है जब हम लोग को क्वालिटी चेंज अच्छा करना है, तब स्पेसिंग को मैं कम करूँगा। नेक्स्ट है विथ लेंथ। विथ और लेंथ का जो काम है वो सिंपल सी बात है कि जो मैं विथ लेंथ यहाँ से कम ज़्यादा कर रहा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट है स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, कि एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम कहाँ से होगा, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सिमुलेशन है वो 50 फ्रेम से स्टार्ट हो, ठीक है, और अब मैं सिमुलेशन का बटन प्ले करूंगा तो देखिए 0 से लेके 50 50 से जो है सिमुलेशन मेरे स्टार्ट है। एक बार के लिए मैं स्टॉप करता हूँ और अच्छा रीसेट करना है सिमुलेशन को, तो आप क्या कर सकते हैं, जाइए यहाँ पे सी में और यहाँ पे फ्यू इफेक्ट्स आपको मिलेगा, जितना भी इसका फाइल है सबको आप डिलीट मार दीजिए। इससे क्या होगा कि जो सिमुलेशन है मेरा रीसेट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए कि फ्रेम ऐसे मिसिंग होंगे, है ना। फिर से मैं जब स्टार्ट करता हूँ सिमुलेशन तो 50 से देखिए सिमुलेशन जो है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है ना। क्योंकि क्या होता है कभी कभी सिचुएशन ऐसा रहता है कि जो भी मैं शॉट बना रहा हूँ उसमें पहले से कोई भी चीज़ आग नहीं लग रहा है, कुछ एक सर्टेन फ्रेम के बाद उसमें आग लग रहा है, तब ये वाला जो ऑप्शन है वो तब काम आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाला हुआ है 50, तो अभी देखिए 50 से लेके 100 तक का जो सिमुलेशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा मेरा फ्यूम इफेक्ट्स। एक बार के लिए स्टॉप कर देता हूँ, तो जब मैं प्ले करूँगा देखिए यहाँ पे कोई आग नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा, पर जैसे ही 50 हुआ एक तिली जला और जलने के बाद उसमें से आग निकला। तो इस टाइप का कोई सिमुलेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना। एंड फ्रेम को मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, जैसा चाहिए वैसा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे 0 to 1 ही करना है। अच्छा, यहाँ पे पाथ है कि एग्जैक्टली जो आपका कैश है वो कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कहाँ का दिया हुआ है सी का, तो इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी हार्ड डिस्क में प्रोजेक्ट अपना सेव कर रहे हैं तो कैशे को भी मैं वहीं पे सेव करूँगा। इससे क्या होगा कि जितने बार मैं मैक्स का फाइल ओपन करूँगा कैशे जो है वो वहाँ से रीडअप कर लेगा। अगर आपने ऐसा किया कि आपका कंप्यूटर के सी ड्राइव में आपने कैशे जो है वो सेव किया है और हार्ड डिस्क में जो है वो आपका प्रोजेक्ट है ना। अब हार्ड डिस्क का जो प्रोजेक्ट है वो तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को खोल के आप कहीं और ले जा सकते हैं, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को जब आप खोल के कहीं और लगाएंगे तो वहाँ पे तो उसको कैशे नहीं मिलेगा। तो उस वक्त क्या होगा कि आपको फिर से पूरा सिमुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नहीं करके आप क्या कर सकते कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहीं पर जाकर सेव कर सकते हैं। तो सिंपल इसको क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट है, टेक्स्ट वेक्स्ट जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पर जाकर आप सेव कर दीजिए, नाम उसका सेव कर देते तो वहाँ जाकर सेव हो गया ना। वेलवेट है, रीटाइमर है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, अलग से टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे प्लेबैक है कि प्ले कौन से कहाँ से कहाँ तक होगा। बाय डिफॉल्ट से मैं प्ले करता हूँ यहाँ से, तो प्ले यहाँ पे अगर जैसे जाऊँगा मैं फाइल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रेफरेंस सिमुलेशन मोड, प्रीव्यू बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे मेक प्रीव्यू जब मैं करूँगा तो जो भी मेरा सिमुलेशन रहेगा वो प्रीव्यू बन जाएगा, है ना।
है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं उसको भी दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग उसको भी प्रीव्यू बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 0 to 100 जो है वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ प्ले का, जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जनरल टैब में इतना ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मेरा सिमुलेशन टैब। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, बट ऑब्वियसली बात है कि सब हम लोग को ही लगता है। बेसिकली जो जो लगता है मैं वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला तो क्वालिटी है, यू नो क्वालिटी आप बढ़ाओगे तो जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा आएगा, मतलब रियलिस्टिक काफ़ी हद तक आएगा, है ना। मैक्सिमम इटरेशंस 200, ठीक है। इटरेशंस का मतलब होता है कितना यू नो डिटेल में जो आपके धुआं है, एक एक डिटेल को कितना वो यू नो कैचअप करेगा। तो 200 आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। सी एफ एल कंडीशंस एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि क्या है एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, मैक्सिमम सिमुलेशन स्टेप्स, इसका मतलब है कि छोटा से छोटा जो इसका स्टेप होगा वो कितना होगा, है ना। यहाँ पे 1 है, मतलब एक वॉक्सल का जो है वो छोटा से छोटा जो उसका वॉक्सल होगा वो एक वॉक्सल का जो सिमुलेशन है वो लेगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं 5 करूँगा तो हो सकता है कि पहले मेरा धुआँ यहाँ पे हो, नेक्स्ट जो फ्रेम है उसमें 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा धुआँ, है ना। तो बीच का जो 4 वॉक्सल है वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, है ना। तो ये होता है बेसिकली मैक्सिमम सिमुलेशन स्टेप्स। नीचे आऊँगा तो टाइम स्केल है। टाइम स्केल बेसिकली क्या काम करता है, स्लो इन स्लो आउट के काम करता है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको टाइम स्केल कर देता हूँ 3, और एक बार के लिए मैं इसको सिमुलेशन प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिमुलेशन का जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक है ना। आप देखेंगे कि 15 से 20 फ्रेम में, 30 फ्रेम में ये काफ़ी ऊपर तक यू नो पहुँच जा रहा है। तो ये बेसिकली जो इसका काम रहता है कि जो भी मेरा यू नो टाइम स्केल रहेगा वो यहाँ पे टाइम जो है उसको डिफाइन करेगा कि कितना स्पीड जो है सिमुलेशन का मेरा होगा, है ना। टाइम का स्पीड जितना कम होगा उतना स्लो मेरा सिमुलेशन होगा। एक बार के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, देखता हूँ कि 27 फ्रेम में, जैसे कि मेरा 28 फ्रेम में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, है ना, ठीक है। तो वहीं अगर मैं इसका टाइम स्केल जो है इसको मैं 0 पॉइंट या फिर 1 कर देता हूँ, 0.5, तो ये काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगा। एक बार अब मैं फिर से प्ले करके दिखाऊंगा आपको। तो 27 फ्रेम में जहाँ ऊपर जा रहा था, आप देखिए कि कितना स्लो हो गया, 27 फ्रेम पे ये सिर्फ यहाँ तक ही गया। तो इससे स्पीड अब डिफाइन कर सकते हो कि एग्जैक्टली स्पीड जो है वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा कि बहुत कम स्पीड से होगा सिमुलेशन, है ना। तो दोस्तों, आपको मेरा एरर ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।